Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is Shivani and आज हम लोग पहुंच गए अपने point number 6, prudent या फिर conservative principle. ये क्या होता है और ये हमारा जो point number 6 है वो है accounting principles others का point number 6. Okay? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि prudent का मतलब, देखिए prudent का मतलब अगर हम इन हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है विवेक या फिर रैशनल या फिर क्लेवर, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आगे चल के कुछ ऐसा हमें ऐसे लॉस के फॉर्म में होने वाली है या फिर कुछ ऐसे हमें मतलब इन एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा जो गलत हो हमारे साथ ऐसा है, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से स्मार्टली डील करोगे उसी को प्रूडेंट कहते हैं. ठीक है, अब हम बिजनेस लैंग्वेज में इसकी कैसे बात करें वो हमें अपनी बुक में से देखना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हम पहले अभी नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड एक आपको एग्जांपल देते हैं. जैसे देखिए क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम अपने घर में हमारी मदर उदर क्या करती हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्यूचर में हमें होता ही है, सभी के घरों में होता है कि हाँ बीमारी लगती ही लगती है, कोई ना कोई बीमार पड़ता ही पड़ता है, तो उन सबसे बचने के लिए हमारे बींग अ पेरेंट्स पहले से ही कुछ रिजर्व मेंटेन करते हैं कि यार अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हैपन हुई, बीमार पड़े या कुछ भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ तो हमारे पास पहले से ही प्रोविजन रहे ताकि हम उसे जो है डील कर सके. ऐसा ना हो कि यार हमें फिर किसी से उधार लेना पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ऐसा कुछ भी सिचुएशन ना है तो हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से रिजर्व में डालना शुरू कर देते ताकि इस तरह की सिचुएशन से हम इजिली डील कर सके. तो ठीक है, ये इसी को हम प्रूडेंट कहते हैं. और प्रूडेंट हमारा जो ये हमारी बुक में दिया है ये दो चीजों पे बात करता है, एक लॉस के लिए और एक प्रॉफिट के लिए. कि लॉस के लिए तो इसने बोल दिया कि आपको इन स्टार्ट में ही आप अपना रिजर्व बनाते रहो ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉस से आप पहले से ही अपने आपको जो है सेट ऑफ करके रख लो कि हाँ अगर हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना सफर करना पड़े. लेकिन प्रॉफिट का तो हमारा क्या होता है, जैसे देखिए प्रॉफिट के लिए हम आपको पहले एग्जांपल के उससे कनेक्ट करते हैं. जैसे क्या कहते हैं कि हाँ हम जैसे बात करें किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का फ्यूचर में प्रमोशन होने वाला है, उसको पता चल गया है कि हाँ यार मैं प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, यानी उसकी सैलरी इन्हांस होने वाली, जो अगर करेंट में उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है अभी उसकी 1.5 लाख या 2 लाख होने वाली है, उसको पता चल गया. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही की डेट से वो प्रोविजन बना ले कि हाँ यार मुझे तो अभी से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं. उसमें क्या दिखाता होता है, उसमें ये होता है ठीक है यार जब हमें मिलेगा तब हम जो है अपना इसको आगे देखेंगे. तो यानी कि प्रॉफिट जो है हम तभी बुक करेंगे जब एक्चुअल में हमें होगा, यानी कि जब भी इनकम हमें एक्चुअल में अराइज होगी. यानी अगर 1-2 महीने बाद उस पर्सन को प्रमोशन सैलरी मिलने वाली है तो वो तभी उसको जो है लेगा, तभी लेगा. ये नहीं कि 2 महीने पहले से ही उसकी बुकिंग कर ले, ठीक है. लेकिन लॉस अगर हमें पता है क्योंकि उससे हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ता है तो हम पहले ही उसकी जो है रिजर्व मेंटेन करते हैं. चलिए हम अपना एक बार बुक में देख लेते हैं बुक क्या बोलती है. प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मैनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज. ठीक है, प्रूडेंस यानी कि वही जो कि मतलब हम स्मार्टली या फिर विवेक से अपने या दिमाग से जो भी चीजों को डील करते हैं उसको बोलते हैं. और कंजर्वेटिव भी वही कहा जाता है जो पहले से ढर्रे चले आ रहे, कहते यार तुम बहुत ही कंजर्वेटिव सोच की हो. मतलब कि अगर हाँ कोई भी चीज से निपटने के लिए ये बताया गया कि आप ऐसे कर लो तो उसको कहते नहीं है यार इसकी सोच बहुत कंजर्वेटिव है. मतलब कि अगर इसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग घर से पहले बाहर जाने से पहले हमें पानी पी के जाना चाहिए या भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ के जाना, इनकेस नहीं निकल गए तो कुछ गलत हो जाएगा, तो ये सोच हमारी कंजर्वेटिव में है. ठीक है, तो ये ही जो है इसका मतलब हुआ. तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव एक ही बात है. वो कहता है कि बहुत अधिकतर बार एक फ्रेज यूज किया जाता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, कि प्रूडेंट और कंजर्वेटिव को डिस्क्राइब करने एक फ्रेज यानी एक सेइंग फेमस क्या कहा गया है, डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट. एंटीसिपेट का मतलब इन फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट यानी भावी लाभ, मतलब जो अभी हुआ नहीं है हो सकता है फॉर से, मतलब जो है हमारे लिए फोरकास्टिंग है अभी मिला नहीं है हमें, तो ऐसा भावी लाभ ये जो होने वाला है डू नॉट उसको मत करो, उसको रिजर्व में मत बनाओ उसके लिए. बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन उन सभी पॉसिबल लॉसेस यानी एक्चुअल में वो लॉस हुए नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है इन फ्यूचर में वो लॉस होने के चांसेस हैं, उनके लिए आप प्रोवाइड फॉर करो, मतलब उनके लिए आप प्रोविजन को मेंटेन करो, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं. ठीक है, तो ये फेमस सेइंग है जो अधिकतर प्रूडेंट को या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करी जाती है. आगे ये बोल रहे हैं स्टेटिंग डिफरेंटली एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज. मतलब अगर हम दूसरे
शब्दों में बात करें तो ये मतलब कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर, मतलब कि एक अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसा पेंट ना करें जो एक्चुअल में वो ना हो। यहाँ पे इस लाइन से कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है, आपने पहले से ही उस प्रॉफिट को दिखा दिया तो वो एक्चुअल पिक्चर नहीं शो करेगा ना। तो वही ये कह रहा है कि बेटर पिक्चर दिखाने के लिए आप उसमें पेंट ना करो, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीजें मत दिखाओ या विंडो ड्रेसिंग मत करो जो कि एक्चुअल में नहीं है। लेकिन लॉसेस के लिए आप ये काम करो, मतलब अगर फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है अपने एविडेंसेस प्रूफ को देख करके या प्रैक्टिसेस को देख करके, तो आप उसकी रिजर्व उसका प्रोविजन बनाओ, बट वहीं तक जहां तक कि जेन्यून हो। ये नहीं कि एकदम आप ओवर स्टेटिंग करो। मान लीजिए आपको फ्यूचर में आपने जो है सेल किया डेटर्स, आपने जो है 5 लाख की क्रेडिट सेल करी, 5 लाख में से आपको थोड़ा अपने प्रैक्टिसेस के बेस पे लग रहा है कि यार इसका मुझे 20% डेटर्स ऐसे हैं जिनका मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप 20% का ही प्रोविजन करके रखो। ये नहीं कि आप 30% का ओवर स्टेटमेंट करो, ओवर स्टेटिंग नहीं करनी है, 20% का ही आप करिए, ठीक है। चलिए इसमें आगे और भी कुछ है वो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। मतलब कि हमें ये कंजर्वेटिव को जो है डिफाइन कर रहा है कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या बताया गया, यही ना कि जो है हम उसको वैल्यू हमेशा या तो कॉस्ट पे करेंगे या फिर या तो नहीं, मतलब कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू उन दोनों में जो कम होगा उस पे करेंगे, ठीक है। और हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, एमआरपी हमारा, जो करंट में हमारे कॉस्ट की प्राइस चल रही होगी मार्केट में उसमें हम उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, उन दोनों में जो भी लोअर होगा, ठीक है। तो ये बोलता है, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच को बता रहा है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं, और या फिर मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटीसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, ठीक है, कि या तो हमने प्रोविजन बनाना, किसका प्रोविजन बनाना, जो डाउटफुल डेट्स है उनका प्रोविजन बनाना, या फिर डेट्स पे डिस्काउंट देना, उसके लिए हमने पहले से ही अपने जो है रिजर्व मेंटेन कर रखा है कि उस चीज को इन एंटीसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, मतलब कि एंटीसिपेशन मतलब कि इन फ्यूचर में होने वाला बैड डेट्स या मतलब कि वो डेट्स हमें नहीं मिलेगा, वो डूब गया पैसा, उसके लिए इन फ्यूचर में ही हमने प्रोविजन बना लिया जो है बैड डेट्स का या फिर डिस्काउंट का। तो वही हमारा प्रूडेंट या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच को बताता है कि यही होता है कि पहले से ही प्रोविजन बना के रखना, ठीक है। डिस्काउंट हम कभी भी अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो वो है तो हमारे लिए खर्चा ही ना, तो उसके लिए अगर हमने पहले से ही रिजर्व बना के रखा है तो वो हमें इन फ्यूचर में इतना ज्यादा लॉस इनकर ही नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही उसके लिए अपने आप को रेडी करके रखा है। हा? फिर आगे ये बोल रहा है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब्स दैट एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, मतलब कि ये कह रहा है कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, जो भी इन फ्यूचर में हमें खर्चे होने वाले हैं या लॉसेस होने वाले हैं उनको अकाउंटेड कर लो, मतलब कि उसे अपनी बुक्स में उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने मान लीजिए कि आपका कहीं केस लगा हुआ है, कोई एबीसी एंटरप्राइज है उसका कोई केस कोर्ट में चल रहा है जिससे उसे ये लग रहा है यार इस केस से मेरे को इतना खर्चा तो हो गया, एट प्रेजेंट दिख रहा है केस को कराने में 50-60 हजार रुपए लग गया, लेकिन अभी इन फ्यूचर मुझे उम्मीद लग रही है कि इसमें खर्चे और मेरे बढ़ सकते हैं, मतलब ये 1 लाख तक पहुंच सकता है, तो उसी दिन आप उसको 1 लाख रुपए से प्रोविजन क्रिएट कर लो। या फिर आपको ये लग रहा है कि यार इस केस में मेरा मैं शायद मुझे लॉस हो जाए, मैं नहीं जीत पाऊंगा ये केस, तो इसका प्रोविजन भी आप बिगनिंग में ही बना के रख लो कि लॉस फॉर केस, इस तरह से करके आपने जो है अपने खर्चों में उसको डेबिट कर लिया, अपना खर्चे का प्रोविजन बना लिया है, लॉस का प्रोविजन बना लिया है, ठीक है। Thus as a result liabilities may be overstated, आगे इसमें ये एक तरह से एक इसकी लैकनेस की बात कर रहा है कि ये इसमें कमी है, ये कह रहा है कि इसके रिजल्ट से क्या होगा, मे बी आपकी लाइबिलिटीज ओवर स्टेटेड हो जाएंगी, यानी जितनी आपकी लाइबिलिटीज इन एक्चुअल में है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोविजंस काफी बना लिए अपने फ्यूचर लॉस का, फ्यूचर एक्सपेंस का, ठीक है, तो उससे हो सकता है आपकी लाइबिलिटीज ओवर स्टेट हो जाए, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ के दिखा। आगे बोल रहे हैं, इट हैज अ ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब एक कमी है इस तरह से इसमें कि ये यूज करता है क्रिएट करने के लिए सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व यानी कि क्या होता है आपका, कि आप
आपने क्रिएट किया है एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डिस्काउंट या फिर लॉस के लिए, आप डेप्रिशिएशन के लिए सीक्रेट रिजर्व तैयार करते हो कि हाँ मुझे इतना हो सकता है, तो वो तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ही तो कम होगा, क्योंकि ये रिजर्व जो है हम अपने प्रॉफिट से ही तो लेके बनाते हैं, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कमी की ये हो सकता है ये एक्सेस भी हो जाए। यही कह रहा है कि सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं एंड दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। इससे ये होगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सही पिक्चर नहीं डिस्क्राइब करेगी, नहीं बताएगी, और जिससे आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स जो बिजनेस का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये करना भी जरूरी है, मगर हमें ये इसका ध्यान से करना है कि इससे हमारी ट्रू पिक्चर भी अफेक्ट ना हो, जो क्लियर है वो शो हो। ठीक है, तो बस आगे इसमें एक लाइन बस यही बची है कि इसका हमें ध्यान से इसको बनाना होता है, क्योंकि ये काफी कॉशियस होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आगे कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म नीड्स टू बी अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर सो दैट द रिजल्ट्स रिपोर्टेड आर नॉट डिस्टॉर्टेड। मतलब कि हमें ये जो हमारा प्रूडेंट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है हमें बहुत ही केयरफुल और नीड, मतलब ध्यान से इसको जो है प्रोविजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिसऑर्टेड ना हो, मतलब बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, मतलब जो ट्रू एंड फेयर है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने जो है अप्रोच को, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। ठीक है, बस हमारा इतनी ही बात इसमें बताई गई है कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर के, प्रिंसिपल को लेकर के। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर आप बेल आइकन को हिट करिए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोज के। आपसे फिर मिलूंगी दूसरे पॉइंट्स में, दूसरे लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।